हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, ये इस वीडियो में थोड़ी सी हम अपने कुछ प्रीवियस वाले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। हमने कंसंट्रेशन ऑफ हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, है ना, और उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो पर्टिकुलर देखो, इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, कुछ आपको ऐसे भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो डायरेक्टली आपके फॉर्मूले पर आप डायरेक्टली उसको रख करके नहीं सॉल्व कर सकते, समझ रहे हो। मतलब कि क्वेश्चन देखो रहेगा आपका रिलेटेड, वही मोलैरिटी मोलैरिटी से ही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को बोलने का जो स्टाइल होगा, यानी कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा चेंज कर देगा, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स हमारा फॉर्मूला हमें वही याद रखना है जो भी हमने कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में हमने जो भी पढ़ा था। अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं याद है तो आप फिर से याद करो, या फिर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देखो, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली चलेंगी। अगर आपने एक भी अगर लेक्चर आपने अगर छोड़ा है देन आपको फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम करेंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। और देखो, ये जितने भी मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बताऊंगा या फिर आपको पीडीएफ में जो भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में, वो आपके चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मतलब पैटर्न, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। सिंपली क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन कहता था, गिवेन होता था, हम फॉर्मूले पर उसको अप्लाई कर देते थे, हमारा जो आंसर है वो आ जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी सी हमें क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप जाकर के पीडीएफ से लगा सकते हो। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उसका हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। देखो बच्चे, ये आपके फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, दैट इज H2O4 का एक सॉल्यूशन है, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। देखो वाटर की जो मोल फ्रैक्शन है वो दे दी गई है, 0.85 मोल फ्रैक्शन दे दी गई है, और कह रहा है कि उस पूरे सॉल्यूशन की आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। मेरी बात समझो, क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, आप मेरे को बताओ कि आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या पता होता है। आप अगर मोलैलिटी इज इक्वल टू कहते हो सर कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले को लगा करके देखो कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन से क्या क्या चाहिए होगा। तो आपने कहा सर मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, या फिर अगर हम बात कर ले, जैसे हमने कहा मेरे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और एक है वाटर, और वाटर का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर जो है वो ज़्यादा मोल में मिला है, इसका मतलब वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपकी क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो आप मोलैलिटी के लिए आप क्या कहते हो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स नहीं मोल्स लेते हैं नहीं मास लेते हैं ना सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, वो केजी में होना चाहिए, ठीक है। देन इस चीज़ को हम क्या कहते थे, मोलैलिटी। इसका मतलब होता है कि देखो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको सल्फ्यूरिक एसिड एसिड का नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो अगर यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम ले सकते हैं कितना, 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था मोलैलिटी की केस में हम क्या लेते हैं, केजी में है तो हम क्या ले लेंगे, 1000 ग्राम ले लेंगे। तो हम ये लेट कर लेते हैं क्या कि अमाउंट ऑफ, समझ रहे हैं बात, यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज ये हमारा वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो हम कितनी सॉल्वेंट ले रहे हैं, मान लो हम 1000 जो है वो ग्राम ले लेते हैं, इसको आप लोग 1 kg भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह आप इतना तो रख दोगे, ओके, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे लाओगे। अब मेरी बात समझो, आप कहते थे सर हमें मोल्स निकालने का, सर आपने फॉर्मूला बताया था क्या होता है मोल्स निकालने का, फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड का हम मोलर मास तो रख सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन मास दिया है, वो भी नहीं गिवन है, वो भी नहीं गिवन है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये देखो आपके क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला ना, थोड़ी सी चीज़ें परेशान कर रही, लेकिन बहुत आसानी से हम इसको करने वाले। मेरी बात समझो बच्चे, देखो आपने कहा सर अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है ये हमने कहा, अगर हम किसी तरीके से, बात समझना, अगर हम किसी तरीके से डायरेक्टली मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, हमें मास ऑफ सॉल्यूट की जरूरत ही ना पड़े, मतलब हम मोल्स वाला फॉर्मूला अगर हम देखो ऐसे कह लें हम
कि हम अगर डायरेक्टली अगर हम किसी भी तरीके से अगर हम मोल्स, देखो बेसिकली हमें ये करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप मोल्स का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो मोल्स के फॉर्मूले के लिए आपको क्या लगाना होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि गिवन मास आपको नहीं पता है और मोलर मास आप तो निकाल ही सकते हो एस टी एस ओ फोर का सिंपली, लेकिन आपको गिवन मास भी तो नहीं पता। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ से मोल निकाल लें एट एनी हाउ, अगर हम कोई एक ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करें ठीक है, और वहाँ से अगर हम डायरेक्टली अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी हमने मास हमने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लिया, 1000, तो हमारा देखो बात समझ में बचे, हमारा जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो निकलेगा वो क्या होगा, वो पर 1000 ग्राम होगा, दैट इज पर केजी होगा। तो ऑलरेडी अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी है तो दैट इज हम उसी को क्या कहेंगे, मोलैलिटी कहेंगे, समझ रहे हो? ओके देखो, फिर आपने कहा सर ये मैं तो मैंने मान लिया, अब मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपने कहा सर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वो कितना दे दिया गया है, वो दिया गया है 0.85। तो अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन अगर आप वाटर है तो क्या आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल सकते हो? देखो मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, टोटल आपको कितना समझना है, दैट इज वन, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन कितनी होती है, वन होती है। तो वन में से अगर 0.85 अगर आपका वाटर है तो बाकी का रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, एस टू एस ओ फोर बचेगा। तो आपने कहा सर मोल फ्रैक्शन दिख रहा है क्या, ये भी लग रहा है इसको प्यासा होगी, इसको पिलाना पड़ेगा इंक, मोल फ्रैक्शन ऑफ एस टू एस ओ फोर इंपॉर्टेंट है बच्चे इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एस टू एस ओ फोर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.85, ये आप जरूर से लगाओगे ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85, दैट इज 0.15। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एस टू एस ओ फोर आ गया, दैट इज सॉल्यूट आपने निकाल लिया। एस टू एस ओ फोर आपका क्या है, एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। ओके इसको हम थोड़ा सा इंक डाल दें इसमें। ओके बच्चे देखो अब मेरी बात समझना आप, आपने कहा सर मेरे पास दो चीज़ों की मेरे पास मोल फ्रैक्शन पता है, एक है मेरे पास पता सॉल्वेंट का और एक है मेरे पास पता सॉल्यूट का। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन का बच्चे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आप क्या कहते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मान लो कोई भी आप एक कंपो हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते थे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अब वो आपका कंपोनेंट एक आपका सॉलिड भी हो सकता है, मान लो सॉल्वेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने एक मेन अपना फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मोल ऑफ कंपोनेंट पर्टिकुलर, आप जो भी कंपोनेंट ले रहे हो आप सॉलिड है तो आप सॉल्वेंट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात समझना, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं क्या, मोल्स ऑफ एच टू ओ प्लस मोल्स ऑफ एस टू एस ओ फोर, ये तो आप करोगे। अब मेरी बात समझो, आपने कहा सर अगर हम मोल फ्रैक्शन अगर मान लो हम अगर वाटर का रखते हैं तो वाटर का हमें मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है, इसकी जगह हम वाटर की जगह मोल फ्रैक्शन की जगह 0.85 लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट यानी कि फिर हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉरी मोल्स ऑफ हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें मोल्स ऑफ वाटर रखना पड़ेगा। तो क्या हम मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है चलो निकाल सकते हैं, कैसे देखो कैसे निकाल सकते हैं सर। आपने कहा सर हम ये जो मोल जो नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ वाटर है वो निकाल सकते हैं कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आप ये तो जानते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके तो आपने वाटर के कितने ग्राम लिए हैं, 1000 ग्राम, दैट इज आपका ये गिवन मास हो गया। और क्या आप वाटर का मोलर मास नहीं निकाल सकते, 18 जो कि होता है निकाल सकते हो ना। अच्छा अगर आप कहो कि सर क्या हम इसको भी लेकर के निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एस टू एस ओ फोर से भी निकाल सकते हैं क्या, देखो आपने कहा सर मोल फ्रैक्शन ऑफ एस टू एस ओ फोर इज इक्वल टू, ठीक है आपको एस टू एस ओ फोर का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो आप इसकी जगह क्या रख दोगे, लेकिन क्या आपको मोल्स ऑफ एस टू एस ओ फोर पता है, नहीं हमें वही चीज़ को निकालना है, समझ रहे हो। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, हम यहाँ पर वाटर का जो है वो मोल फ्रैक्शन लेकर के करने वाले हैं, समझ गए, वाटर का हम मोल फ्रैक्शन लेकर के करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, वाटर का मोल फ्रैक्शन यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन लगाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मोल्स ऑफ एस टू ओ पता होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ एस टू ओ आप निकाल सकते हो कैसे, आपने कहा सर मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो गिवन मास अपने वाटर, दैट इज आपका वाटर का एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का आपने कितना अमाउंट लिया, 1000 ग्राम, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एस टू ओ का मोलर मास कितना होता है, तो 18 है, तो आप निकाल चुके हैं, कई बार आप इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, 55.5 जो है वो आपका मोल्स आ जाएगा, ठीक है।
तो आपने क्या निकाल लिया, आपने मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो आप डायरेक्टली सारे फॉर्मुले पर रख दो तो आप क्या निकालो, आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, दैट इज कंपोनेंट की जगह क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो वाटर का आपको मोल फ्रैक्शन पता है कितना है, 0.85 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर आप कितना रखोगे, 55.5 अपॉन 55.5 प्लस मोल्स ऑफ H2SO4। मोल्स ऑफ H2SO4 आपको नहीं पता, तो मोल्स ऑफ H2SO4 हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, फाइनली आप क्या करोगे इसका, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसका, इसमें डायरेक्टली देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये आपका आ जाएगा 47.217 और प्लस फिर 0.85 का हम इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दैट इज 0.85 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है 85 है ना, तो 0.85 और इनटू मोल्स ऑफ H2SO4 हम मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं N2 मान लेते हैं, ठीक है दैट इज N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55.5। फाइनली आप 0.85 N2 को यहीं छोड़ दो, इसको इधर भेज दो, दैट इज 55.5 माइनस 47. अभी तो आप सॉल्व कर सकते हो, फाइनली आपको N2 जो है वो कितना मिल जाएगा, देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो फाइनली इसको सब्ट्रैक्ट करके से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको जो N2 है वो मिलेगा आपको 9.8 मोल। अब मेरी बात यहाँ समझा, देखो आज आपका आंसर भी होगा कैसे, देखो आपने कहा सर आपने जो देखो ये जो आपका मोल्स आया है ना, मोल्स ऑफ ये आपका किसका आया है, H2SO4 का आया है। तो जब आप फॉर्मूला जब आप रखते हो, आप फॉर्मूले में क्या रखते हो, आप फॉर्मूले में ये रखते हो ना कि जो आपकी जो मोलैलिटी होती है, मेरी बात समझना यहाँ से, मोलैलिटी इज इक्वल टू आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो ना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कहते हो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट कितना होना चाहिए केजी में, दैट इज 1000 ग्राम में भी आप कह सकते हो। तो आपने देखो आपने कहा सर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है, वो आपका 9.8 है, और ऑलरेडी आपने जो है मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपने कितना माना है, 1000 ग्राम दैट इज 1 केजी आपने माना है। तो ऑलरेडी आपका ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है 9.8 मोल्स पर केजी। तो इसी को तो आप क्या कहते हो, मोलैलिटी कहते हो। तो आपने कहा कि जो मोलैलिटी होगी सॉल्यूशन की है ना, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की, वो कितनी होगी, वो 9.8 मोल पर केजी होगी, ये आपका आंसर होगा, है ना। तो इस टाइप के भी आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके बुक में बहुत सारे रेफरेंस बुक अगर आप यूज़ कर रहे हो है ना, तो उस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चन को लगाने हैं, ठीक है। एक इस टाइप का हमने देख लिया, चलो एक नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। देखो जी एक इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये मोलैलिटी ही आपको निकालनी है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट और सॉल्यूशन, ठीक है आपको मोलैलिटी ही निकालनी सॉल्यूशन की, लेकिन कह रहा है क्या कि बाई डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ इट, मतलब कि जो पोटेशियम कार्बोनेट जो डिसॉल्व किया जा रहा है वो कितने अमाउंट में डिसॉल्व किया जा रहा है, 2.5 ग्राम डिसॉल्व किया जा रहा है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो कितनी है, 1 लीटर है। सिंपल मेरी आप बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, आपने कहा सर आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो आप मोलैलिटी का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो, दैट इज आप जो स्मॉल एम कहते हो वो क्या कहते हो, आप कहते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या है, तो पोटेशियम कार्बोनेट है और वाटर में इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कहते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो आपको किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलना चाहिए और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट मिलना चाहिए। तो देखो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो कैसे, आपने कहा सर मोल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपने कहा सर गिवन मास तो पता है मेरे पास, जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट की आपकी मास कितनी दी गई, 2.5 दी गई है ना, ठीक है। आपने क्वेश्चन को लिख लिया ना, आप क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके पहले लिख लो, ठीक है। देखो आपने कहा कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ पे हम सॉल्यूट किसको लेंगे, हम लेंगे पोटेशियम कार्बोनेट को, तो मास ऑफ जो सॉल्यूट है दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2 पोटेशियम कार्बोनेट CO3, ठीक है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका मास देखो दे दिया गया कितना, 2.5 ग्राम जो है वो दे दिया गया है। तो अगर भाई मास दे दिया गया है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, हम इसका मोल्स निकाल सकते हैं, दैट इज आपने कहा सर मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 2.5 अपॉन मोलर मास कितना है,
तो मोलर मास के लिए आप क्या करोगे, पोटेशियम, पोटेशियम दैट इज कितनी बार है, 2 टाइम, दैट इज 2 इंटू पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 39, और प्लस सी कार्बन कितना है, 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, कितनी बार ऑक्सीजन, 3 बार, दैट इज 3 इंटू 16, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.5 अपॉन, इसको आप ऐड कर लोगे तो 138, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.0181, ठीक है। देखो पॉइंट का हमेशा 3 डिजिट ले जाना, अगर 0 आता है तो 1 डिजिट और बढ़ा देना, ठीक ना। ये थोड़ा सा इस देखो थोड़े से अपने ट्रिक बनाओ, मतलब थोड़े से अपने क्वेश्चन के अपने अपने खुद के पैटर्न बनाओ आप, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। होता आसान है, सिंपल, आपने कैलकुलेशन पढ़ा है क्लास 9 10th, बचपन से आप ये जोड़ घटाना गुणा भाग आप पढ़ते चले आ रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी ना है, वही चीज़ें तो है। ओके, तो आपने मोल्स निकाल लिया, किसका, आपने मोल्स निकाल लिया K2CO3 का, दैट इज आपने सॉल्यूट का आपने मोल्स निकाल लेना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ओके, मेरे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो जो हमारी अमाउंट दी गई है, ऐसे कह सकते हैं कि हमारी अमाउंट जो दी गई है ना वाटर की, वो किसमें दी गई है, लीटर में दी गई है, ठीक है। मतलब जो हमारा जो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है, पूरे पूरा सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, बात समझना ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि जिसमें K2CO3 प्लस वाटर को जब मिला दिया गया, 2.5 ग्राम समथिंग हमारे पास K2CO3 था, प्लस समथिंग कुछ अमाउंट में वाटर था, तो जब उन दोनों को मिलाया गया तब कितना बना हमारे पास, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बना, ठीक है ना, बात समझना। तो आपने कहा सर सिंस मास दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, क्या हो कि इस सॉल्यूशन के मास को जो हमारा जो 1000 ग्राम, सॉरी किसमें दिया है, ml दिया है ना, लीटर दिया है, नहीं सॉरी, 1 1 लीटर दिया है, ठीक है, 1 लीटर दिया है, तो 1 लीटर को हम क्या कर सकते हैं, 1000 ml भी कर सकते हैं, मिली लीटर भी कर सकते हैं। अगर क्या हो चाहिए कि अगर हम इस मास को एट हाउ समहाउ अगर हम क्या कर लें, किसी तरीके से अगर हम इसको ग्राम में चेंज कर लें, किलोग्राम में अगर हम चेंज कर लें, तो मेरी बात बन सकती है, समझ रहे हो, है ना। तो देखो अब ये देखो दिया भी गया, कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी गई 0.85। तो एज वी नो सर क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आप इसे क्या मानोगे, आप इसे वॉल्यूम ही तो मानोगे, समझ लो मेरी बात, आप ये जो मास है जो लीटर में दी गई है, ठीक है ना, मान लो हमने गलती से अगर यहाँ पे मास कर दिया, तो आप ये जो 1000 जो मिली लीटर, यानी कि जो 1 लीटर जो दिया गया, वो उसकी क्या दी गई, उसकी वॉल्यूम दी गई है। तो ये क्या दिया गया, इसका इसका वॉल्यूम दिया गया, तो हम यहाँ पे मास की जगह क्या कर लें, वॉल्यूम कर लें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर दे दिया गया है। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम की जगह आप क्या रखोगे, 1000 मिली लीटर, है ना, इंटू डेंसिटी देखो दी गई कितनी, 0.85 क्या है, ग्राम पर मिली लीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास, 850 ग्राम, यानी कि आपने मास निकाल लिया, किसका, ये आपके सॉल्यूशन है, यानी कि ओवरऑल जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें उसमें टोटल जो वाटर और प्लस हमारा जो पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो मिलाकर के टोटल कितना है, 850 ग्राम है। तो देखो अगर आपने सॉल्यूशन का अगर आपने अमाउंट निकाल लिया कि टोटल हमारा सॉल्यूशन इतने ग्राम है, और आपको पता है कि हमारी जो पोटेशियम कार्बोनेट है वो इतने ग्राम है, 2.5 ग्राम है, तो क्या आप अमाउंट ऑफ वाटर नहीं निकाल सकते, अमाउंट ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने कहा सर सिंस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मास को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है बच्चे, 850 है, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट आपका देखो कितना है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 2.5 है, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 850, दैट इज 847.5, ठीक है। ये आपका किस में आएगा, ग्राम में आएगा, लेकिन आपका जो मास होना चाहिए, आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है मोलैलिटी का, उसमें देखो आपका मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए केजी में, ठीक है, किसमें होना चाहिए, केजी में। तो ये हमारे तो अभी ग्राम में है, तो हम इसको क्या कर लें, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कहोगे क्या, 847.5 डिवाइडेड बाई 1000 kg, है ना। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.847, ठीक है, इतना फिलहाल इतना ही रखते हैं, चलो 4 डिजिट लेते हैं, कीजिए।
फाइनली आपको क्या पता चल गया, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, तो बस देर की बात कि आप लगा सकते हो क्या एम इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स देखो आपने निकाल लिया कितना 0.0181 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.8475। क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो कितने जीरो हैं, एक यहाँ तक, ये इस जीरो को आपको यहाँ तक लाना है, दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या कर दिया जाए भाई, हम कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, 181 अपॉन 8475। देखो 4 10 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो क्या कर दिया जाए भाई, यहाँ पर 181 और 1020 और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो गया ये 1,10,000 18,000 और ये आपका कितना है 8,000, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 8475। अब देखो आपने अगर दो जीरो बढ़ाया है तो आपको दो जीरो माइनस भी करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट अगर आपने टू पॉइंट बढ़ाया तो आपको टू पॉइंट माइनस भी करना पड़ेगा, इधर भी हटाना पड़ेगा, तो ये काम हम कर सकते हैं। फाइनली आप इसको क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे जैसे बच्चे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं, बहुत बड़े बड़े वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको ऐसे डिवाइड करते हैं, आप इनको जब डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.1 × 10⁻²। सो ये कितना हो जाएगा 0.021, ठीक है, मोल पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरीके के भी आपके क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ओके देखो जी, ये जो क्वेश्चन है सबसे यूनिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही प्यारा सा, ध्यान समझना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। देखो इसको ध्यान से, बहुत ही ध्यान समझना, देखो बहुत आसान सा है, अगर आप ध्यान समझोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप सिंपल सा अपना फॉर्मूला देखना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 g ऑफ NaMH इज मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ 5 upon m upon 5, दैट इज ये आपकी मोलैरिटी दे दी गई है, ठीक है, NaMH सॉल्यूशन के साथ क्या किया गया, मिक्स किया गया। देखो नहीं आया समझे, देखो बात समझो, कह रहा है कि आपके पास एक 100 ml का क्या है सॉल्यूशन है, आपने कहा था मेरे पास ये ग्लास था और इसमें 100 ml का क्या था सॉल्यूशन था, और इस सॉल्यूशन में बचे मेरे पास 5 g जो है वो NaOH जो है वो कंटेन था इस सॉल्यूशन में, पर्टिकुलरली सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो कितना है टोटल, वो 100 ml है और इस 100 ml में मेरे पास 5 g जो NaOH था। फिर कह रहा है कि अब इस सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, ये जो पूरा का पूरा ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को उठा करके किसी दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स किया गया, किसमें मिक्स किया गया, मान लो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पर कोई 200 ml का यहाँ पे एक सॉल्यूशन था, कितने एमएल का सॉल्यूशन था ये मेरे पास 200 ml का, ये पूरा पूरा एक सॉल्यूशन था, ठीक है। अब देखो अब इस सॉल्यूशन में ये कह रहा है कि अब यहाँ देखो इस वाले सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो हमारे जो 5 g है वो डायरेक्टली ऐसे अमाउंट में दे दिया गया कि भाई इसमें 5 g मैंने अच्छा, बट इसमें ऐसा 5 g ऐसा नहीं बोला गया, इसमें कह रहा है कि इसमें एम अपॉन जो एम अपॉन फाइव मतलब है कुछ ऐसा जो है वो इतने अमाउंट में जो आपका NaOH वो मिला हुआ है, ठीक है, और फिर इस सॉल्यूशन को उठा करके इसमें पुट कर दिया गया। तो कह रहा है कि उस केस में हमें इस पूरे सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना मिक्स करने के बाद हमें उस पूरे सॉल्यूशन की क्या निकालनी है रिजल्टिंग, हमें मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, मोरैलिटी नहीं, मोरल वैल्यू हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग मोलैरिटी पढ़ रहे। ओके तो आपको देखो बच्चे पता है, सिंपल आप मेरी बात बताओ, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या पता है, आप जानते हो सर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान समझना, आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट मेरे पास यहां पर क्या है, दैट इज NaOH, क्या है NaOH, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, आपको NaOH का क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, आपको टोटल जो है वो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा कि भाई हमारा जो NaOH है वो, तो अब जब नंबर ऑफ मोल्स का देखो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास, मेरी बात समझ रहे हो, मोलर मास, तो ठीक है सर हम यहाँ से मोलर मास तो निकाल सकते हैं, क्या हमें गिवन मास टोटल पता है NaOH का, नहीं पता, हमें केवल एक जगह का हमें 5 g पता है, बाकी दूसरी जगह कहाँ पता है कि इसका हमें कितना पता है, हमें नहीं पता ना, तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम फंस गए हैं कि हमें सर 5 + कितना ले लें, ये जो गिवन मास है यहाँ पे 3 का सर हमने यहाँ पर तो 5 ले लिया, पर सर इसके लिए हम m इज इक्वल टू जो है गिवन मास हम वो कितना ले, है ना, तो अब जो सारा का सारा जो काम होगा वो इसके लिए होगा, ठीक है, मोलर मास आप जानते हो NaOH का कितना होता है 40, तो अब जो सारा का सारा काम है वो अब इस वैल्यू के लिए होगा, समझ रहे हो, और इस वैल्यू को निकालने के लिए हम इस m अपॉन 5 का यूज़
करेंगे। MF 1.5 वाले क्वेश्चन आपने अगर लगाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाए हो तो आप मेरे साथ चलो, आप सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम सर बात करें फिर, हमने कहा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन तो आसान है। आपने कहा सर मेरे पास 100 ml इसकी जो है और 200 ml इसकी, दैट इज 300 ml, तो कितना हो गया 300 ml। और हम जो सॉल्यूशन लेते हैं वो किस में लेते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं वो किस में लेते हैं, वो हम लेते हैं लीटर में। तो 300 को हम क्या कर देंगे, लीटर में चेंज कर देंगे, 0.3 लीटर आ जाएगा। तो ठीक है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो प्रॉब्लम है वो इसमें, और इसमें भी खास करके हमें इस वाली जगह पर प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे देखो वो समझ में आया क्या है, क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात समझना, तो आपने फॉर्मूला देख लिया कि हाँ भाई फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। ओके, तो आपने कहा सर सबसे पहले जो मास दी गई है, किसकी, मास ऑफ NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, वो कितना दिया गया है, वो आपका दिया गया 5 ग्राम, ठीक है। हमें अभी बयान है, हमें 200 वाले का भी हमें मास निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारा जब हमने कहा कि हमारे जो टोटल, देखो हम टोटल तो हमें पता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है कितनी, लिख लो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कितना हो जाएगा अगर हम इसको मिला दें, मिक्स कर दें, तो कितना हो जाएगा, 100 भाई इसके पास था प्लस 200 इसके पास था, तो कितना हो गया 300 ml हो गया, दैट इज 0.3 लीटर हो गया ना। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकाल लिया। अब मेरी बात समझो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज NaOH निकालना। अब सारा का सारा मेरा जो काम है वो NaOH के मोल्स के लिए ही होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम बात करें इस 100 ml वाले में, तो 100 ml वाले में तो हमें मास पता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमें मास किसका नहीं पता, हमें मास नहीं पता है कि ये जो 200 ml जो सॉल्यूशन जो बनाया गया है उसमें MF 1.5 जो हमारी NaOH जो सॉल्यूशन जो दी गई है उसमें हमें अमाउंट ऑफ हमें जो NaOH है वो नहीं पता, हमें वही चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ से एक काम करते हैं, हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट कि हमारा जो 200 ml जो सॉल्यूशन है कंटेन m ग्राम ऑफ NaOH, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो 200 ml वाला जो सॉल्यूशन है वो m ग्राम ऑफ NaOH क्या किया हुआ है, वो कंटेन किया हुआ है। अच्छा, तो अब क्या दे दी गई है, देखो मोलैरिटी दे दी गई है, M/5 का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी दे दी गई है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू कितनी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू कितनी दे दी गई है, M/5। और आप मेरे को बताओ क्या आप मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हो, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हो, आपको पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है। पर्टिकुलर हम अब 200 सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 300 अभी 100 वाले को छोड़ देते हैं। हमने कहा सर मोलैरिटी इज इक्वल टू मेरे पास होता है क्या, मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू M/5, बोले ऐसे ही तो रखेंगे M/5 है ना। अच्छा जी, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर 1/5 भी रख सकते हैं। मतलब मोलैरिटी, m का मतलब ही क्या होता है मोलैरिटी, 1/5 m अगर कहीं भी दिया गया तो समझ लेना आपको क्या दिया है, वो आपकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी दैट इज m इज इक्वल टू कितना दे दिया, 1/5 दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो मोल्स ऑफ NaOH, क्या हमें मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए, हाँ ठीक है, हमें मोल्स ऑफ NaOH हमें निकालना चाहिए ना यहाँ से। तो आपने कहा सर मोल्स ऑफ यहाँ से जो NaOH होगा वो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH, और ये जो मोल्स निकलेगा NaOH का वो कितने ग्राम, वो कितने लीटर सॉल्यूशन में निकलेगा, वो आपके निकलेगा 200 ml सॉल्यूशन में, वो कितना हो जाएगा आपका, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो कितना दिया गया है 3, ये हम किस में लेते हैं लीटर में लेते हैं, है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा कितना है 200 ये आपका ml है, तो 200 ml को आप जब लीटर में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा 0.2/5, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2/50, है ना। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मोल्स ऑफ NaOH इन 200 ml आ गया। अच्छा, फिर आपने कहा सर मोल्स का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, कि मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल्स। ओके देखो, मोल्स इज इक्वल टू होता क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास
अब मोस आपको पता है हाँ, ये अभी भी हम ये किसकी बात कर रहे हैं, अभी भी हम ये 200 ml सॉल्यूशन वाले की बात कर रहे हैं, है ना। तो मोल्स मोल्स कितना है मेरे पास, 2/50 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है हमें निकालना है। तो मान लेते हैं गिवन मास देखो कितना है, मैंने माना है m अपॉन मोलर मास कितना होता है 40। सो m इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 2 × 40/50, ये 0 से 0 कैंसिल कितना आ गया 8/5, दैट इज आपके पास आ जाएगा 1.6 ग्राम। ठीक है, ये आपने क्या निकाले, ये आपने अमाउंट ऑफ NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। नाउ आपको अमाउंट ऑफ NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन पता है, अमाउंट ऑफ NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन पता है, तो टोटल मास कितना हो गया। तो आपने कहा सर सो टोटल मास जो हमारा है, टोटल मास इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, तो पहले वाले में कितना था देखो 5 ग्राम था, प्लस इस वाले में कितना है 1.6 ग्राम है, तो कितना हो गया आपके पास 6.6 ग्राम हो गया, आपने टोटल अमाउंट ऑफ मास निकाल लिया। नाउ अब अगर आप मोल्स अगर आप निकालते हो, है ना, टोटल मोल्स ऑफ NaOH तो क्या अप्लाई करोगे, 6.6 दैट इज टोटल मास है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 होता है, तो कितना गया 6.6/40, ये आप रखोगे। समझ में आ रही मेरी बात, अच्छा आपने टोटल मोल्स ऑफ NaOH निकाले। नाउ आपको फॉर्मूला पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, समझ में आ गई मेरी बात, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मोल्स, मैंने आप फॉर्मूला आपको पहले बताया कि आप करोगे मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन आप किसमें लोगे, लीटर में लोगे। ठीक है, तो मोल्स आपको कितना पता है 6.6/40, और ये ठीक है इन 3 लीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 0.55, ये आपकी क्या आ जाएगी मोलैरिटी आ जाएगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो आपका पूछता है एग्जाम में, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप इसको लगाओगे, और आपकी अगर कॉपी में दिया गया है क्वेश्चन, बुक में अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो आप उस बुक से भी इस क्वेश्चन को क्या करना आपको लगाना है। ठीक है ना, एक बच्चे ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान है, कह रहा है कि कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 15% H2SO4 बाई मास है। देखो 15% H2SO4 बाई मास, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर 15% अगर H2SO4 ऐसे बोलता है बाई मास ऐसे दे दिया, इसका मतलब है कि ये क्या दे दिया गया कि आपका अमाउंट ऑफ H2SO4 दे दिया, दैट इज मास ऑफ H2SO4 दे दिया गया कितना 15 ग्राम। तो देखो सिंपल है, इसके आपके सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे, बस केवल समझ लो पूछा क्या है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कर लिया, यहां से आपने मास ऑफ आपने H2SO4 निकाला। ठीक है, मेरी बात समझ लो, मास ऑफ आपने H2SO4 निकाल लिया कितना 15 ग्राम। तो अगर H2SO4 अगर 15 ग्राम है तो बाकी का बचा क्या, वाटर, तो वाटर आपका कितना हो जाएगा, क्या करोगे 100 - 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 ग्राम आ जाएगा। तो आपने H2SO4 की अमाउंट आपने निकाली 15 ग्राम, वाटर की आपने अमाउंट निकाली कितनी 85 ग्राम। फिर कह रहा है डेंसिटी भी दे दिया गया, ठीक है डेंसिटी का कहीं ना कहीं तो यूज होगा, क्यों, देखो कह रहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी, क्या निकालना है मोलैरिटी, सिंपल आप मेरे को मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओगे फिर से क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज H2SO4, इसके इस सॉल्यूट का आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है अपॉन वॉल्यूम, टोटल आपको वॉल्यूम निकालना है। तो ये मैंने भी बताओ जो टोटल आपने जो वॉल्यूम मानी है ना, वो जैसे हम बात करते हैं वॉल्यूम हमारे इसमें ये कितना होता है लीटर में होता है, ठीक है कितना होता है लीटर में, ठीक है तो अगर ये लीटर में है ना, तो आपको उस लीटर को क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ लो मेरी बात। देखो ऐसे समझो, मतलब आपने कहा कि देखो आपने ये निकाल दिया, ठीक है तो आप अगर यहाँ से आप ये बता सकते हो क्या कि जो आपने जो वॉल्यूम लिया है, आपने जो वॉल्यूम लिया है वो आपने कितना लिया, वो आपने लिया 100 ग्राम, तभी तो आपने भी उसके बेसिस पे 15 ग्राम आपने H2SO4 बताया, 85 ग्राम आपने वाटर आपने बताया, ठीक है ना। बट ये आप ये जो वॉल्यूम है, ये जो 100 ग्राम की वॉल्यूम है, ये आपको ग्राम में नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए लीटर में, तो क्या करोगे सिंपल, तो आपने कहा सर अभी ये वॉल्यूम मेरा नहीं है, सॉरी वॉल्यूम मेरा नहीं है, ये क्या है मेरा मास है, क्या है मास, मास मेरा कितना 100 ग्राम है। तो आपने कहा सर वॉल्यूम का मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या कहते हो आप, ये कहते हो मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है मास अपॉन
डेंसिटी, तो मास आप कितनी रखोगे, देखो वॉल्यूम, यानी कि आप जब इस 100 ग्राम का जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो कितना रखोगे, 100 अपॉन डेंसिटी, देखो आपको कितनी दी गई है, 1.10 दे दी गई है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट 90.9 ml, ये किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा, ठीक है, ये किस में आएगा, मिलीलीटर में, क्यों, क्योंकि आपकी जो डेंसिटी दी गई, देखो आपकी जो डेंसिटी दी गई वो किस में है, ग्राम पर मिलीलीटर में है, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और मिलीलीटर में आएगा। अब आपने कहा सर ये मेरे पास मिलीलीटर में है, लेकिन आप जो फॉर्मूला लगाते हो, मेरी बात समझना, आप जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू, तो आप उसमें क्या रखते हो, आप उसमें रखते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि आप पहले ही निकाल चुके हो ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास से अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन यहाँ पे हम वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो ये तो आपकी मिली लीटर में है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको फिर से लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या कितना करना पड़ेगा, अपॉन 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो ml में था वो अब कितना आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। फाइनली यहाँ पर आप फॉर्मूले को रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, PDF से देख लेना, नोट से देख लेना, आपको समझ आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप मोलैलिटी भी निकाल लोगे, मोलैलिटी का सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, सिंपल देखो फॉर्मूले पर है। अब यहाँ से एक आपका ये टर्म है, देखो आपने ये मोलैलिटी आपने निकाल ली, आपने मोलैलिटी निकाली ना, हम बात करते हैं नॉर्मैलिटी की, ये थोड़ा सा एक नया टर्म है, ये बेसिकली एग्जाम में ये पूछा भी गया है। देखो अगर हम नॉर्मैलिटी की बात करें तो नॉर्मैलिटी का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको फॉर्मूला, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। क्या आप बेसिसिटी का मतलब जानते हो, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो जो हमारा बेस है कितने आसानी से तरीके से, है ना, कितने आसान तरीके से वो अपने हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, है ना, नंबर ऑफ जितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी कहेंगे। तो आपने कहा सर H2SO4, ठीक है, तो एसिड बेसिकली आप ये कहो कि ये जो आपकी एसिड है, तो इस एसिड में ये जो आपकी मतलब देखो इसमें हाइड्रोजन आयन आपके कितने, दो हैं, तो ये कितना रिप्लेस करता है, ये कितना रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन आयन, तो ये दो रिप्लेस कर सकता है, तो इसलिए इस H2SO4 की, है ना, इस एसिड की जो बेसिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2। तो आप यहाँ पे मोलैरिटी की जगह आपने जो मोलैरिटी निकाली वो रखोगे इंटू बेसिसिटी की जगह 2 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना, और इस तरीके से आप लगा लेना है, आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में मिल जाएगा, लगा लेना, कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनको भी सॉल्व कर लेना, बाकी के क्वेश्चन आप अपनी बुक से ट्राई करो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने वेपर प्रेशर की, हम बात करेंगे, ठीक है, चलो हम जब स्टार्ट करते हैं टॉपिक तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। चलो फिलहाल आप इतनी चीज़ें पहले लगा लो और पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।